नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो न्यूज चैनलों के ओपिनियन पोल पर बैन लगाएं। इसको लेकर अब NDTV से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये ओपीएम पोल है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब इनके विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, सांसद कूटे जा रहे हैं, इनके डिप्टी सीएम का विरोध हो रहा है और ओपिनियन पोल क्या दिखा रहे हैं, पता नहीं किस आधार पर ये ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने सारी सरकारी रैलियां कराई, लोग इनकी रैलियों में नहीं जाते थे। उन्होंने कहा कि जिसकी रैलियों में लोग नहीं जुट रहे हों, जिसके डिप्टी सीएम का अपमान हो रहा हो, उसके लिए ऐसे ओपिनियन पोल का आधार नहीं समझ आता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा एक इंटरव्यू में दिए गए बयान को मुद्दा बना लिया है। हुआ यूं कि अखिलेश यादव ने टाइम्स ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारा असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है और बीजेपी वोटों की राजनीति के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाती है। अखिलेश के बयान पर तुरंत बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा मैदान में उतर गए। पात्रा ने कहा कि अखिलेश यादव जिन्ना के नाम की रट लगाते हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में 100 सीटों को पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि अगर वो 100 का आंकड़ा पार कर लेती है तो ये सपना ही होगा। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने दावा किया कि बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अराजकता फैलाने जैसे आरोप लगाए। कांग्रेस में जाने को लेकर अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ उनकी लगभग 5 महीने की बातचीत विफल रही। NDTV से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि दूसरों के लिए यह स्वाभाविक लगता है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस को एक साथ काम करना चाहिए, लेकिन दोनों पक्षों को एक साथ काम करने के लिए विश्वास चाहिए। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं हुआ। पीके ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ काम करने का उनका अनुभव ठीक नहीं रहा था और इसीलिए वो भी आशंकित थे और मेरा जो बैकग्राउंड रहा है उसको देखते हुए कांग्रेस भी मेरे में निष्ठा नहीं दिखा पा रही थी, वो भी आशंकित थी, लेकिन साथ आने के लिए भरोसा होना जरूरी है और उनको मुझ पर विश्वास रखना था और भरोसा करना था। कांग्रेस को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं कांग्रेस की प्रशंसा करता हूं, वो जिस विचार और स्थान का प्रतिनिधित्व करती है उसके बिना एक प्रभावी विपक्ष संभव नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इसे वर्तमान नेतृत्व में वर्तमान कांग्रेस होना होगा। कांग्रेस को भाजपा को हराने के लिए एक सुधार की जरूरत है। पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। 113 सीटों वाले पंजाब में बीजेपी 65 सीटों पर, अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीटों पर और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सोमवार को बीजेपी के दिल्ली स्थित ऑफिस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और अकाली दल संयुक्त के प्रधान सुखदेव सिंह ढींडसा ने इस बारे में ऐलान किया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि पंजाब की सुरक्षा बेहद अहम मुद्दा है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कांग्रेस पार्टी के पंजाब में अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को कैबिनेट में रखने के लिए पाकिस्तान के PM का उन्हें मैसेज आया था। कैप्टन ने कहा कि पाकिस्तान से मुझे मैसेज आया कि प्रधानमंत्री ने एक निवेदन किया है कि अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू को अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहते हैं तो मैं इसका आभारी रहूंगा, वे हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन अगर वे काम ना करें तो उन्हें निकाल देना। हरिद्वार में हुई धर्म संसद को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्रतिक्रिया आई है। RSS के मुस्लिम विंग राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने कहा है कि हरिद्वार की धर्म संसद में की गई टिप्पणी किसी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अख्तर ने कहा कि संघ या सरकार का किसी धर्म से कोई नाता नहीं है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ऐसे आयोजन का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। मंच की ओर से इन दिनों उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मुस्लिम समुदाय का समर्थन जुटाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ही मंच की ओर से यह बयान दिया गया है। बता दें कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद के खिलाफ न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। उद्धव ठाकरे के ये कहने के बाद कि बीजेपी से गठबंधन के 25 साल बर्बादी थे, अब शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है
कि शिवसेना ही महाराष्ट्र में बीजेपी को शीर्ष पर लेकर आई थी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बाबरी के बाद उत्तर भारत में शिवसेना की लहर थी, अगर हमने उस समय चुनाव लड़ा होता तो देश में शिवसेना का पीएम होता, लेकिन हमने बीजेपी के लिए ये छोड़ दिया था। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। फडणवीस ने कहा कि ठाकरे के बयान से लगता है कि वो अपनी पार्टी के चौथे नंबर पर आ जाने से आहत हैं और उसका गुस्सा बीजेपी पर निकाल रहे हैं। इसके अलावा संजय राउत के बयान पर उन्होंने कहा कि वो याद दिलाना चाहते हैं कि जब शिवसेना का जन्म नहीं हुआ था उस समय मुंबई में बीजेपी का कॉरपोरेटर था। उन्होंने कहा कि जब तक शिवसेना बीजेपी के साथ थी वो या तो एक नंबर थी या दो पर रहती थी, लेकिन आज वो नंबर चार पर आ गई है। इसके साथ ही फडणवीस ने कहा कि शिवसेना राम मंदिर आंदोलन में कहां थी, गोलियां और लाठियां तो बीजेपी वालों ने खाई। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ राजद्रोह के आरोप तय कर दिए हैं। शर्जील के खिलाफ नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया इलाके में भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। शर्जील के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज की गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।